Assalamualaikum everyone, this is Noor Zafar. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another YouTube video. So, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है. जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से आइडिया हो गया होगा, आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस MCAT का. मेरी MCAT की जर्नी कैसी रही, मैंने कौन कौन से ब्लंडर्स किए, कौन सी मिस्टेक्स मैंने की जिसकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो सका, और अभी मैं क्या कर रही हूँ. वैसे जो मुझे शुरू से देख रहे हैं उन लोगों को तो पता होगा, बट मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी. सो चलते हैं वीडियो की तरफ. बचपन से ही ना डिसाइड कर लिया जाता है हमारी फैमिलीज़ में, मतलब पेरेंट्स डिसाइड थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि हम माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि हमारे बच्चे को हमने ये बनाना है या हमारी बच्ची को हमने ये बनाना है. तो मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी मुझे डॉक्टर बनाने की, और जो कि वक्त के साथ साथ जब मैं बड़ी हुई तो मुझे भी खुद भी शौक पैदा हो गया, बिकॉज घर में सब लोग डॉक्टर ही कहकर बुलाते थे बचपन से ही. इवन अभी मैट्रिक भी नहीं किया था तो उसकी वजह से बचपन से ही ख्वाहिश पैदा हो गई कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है. घर वालों की ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश है, इसको पूरा करना है, डॉक्टर बनना है. तो सबसे पहले मैट्रिक किया, देन FSC में एडमिशन लिया. जब आप FSC में एडमिशन लेते हैं, सेकेंड ईयर में आके आपको वो अर्ज फील होने लग जाता है कि अब तो जो है वो MBBS ही करना है, अब तो MBBS ही करना है. तो उसके लिए ज़रूरी होता है MCAT, जिसमें एडमिशन लेना ज़रूरी होता है. तो मेरे साथ भी यही था. जब सेकेंड ईयर में आए तो पता चला जी अब MCAT देना है, MCAT में एडमिशन लेना है. सो जब हमारा टाइम आया, हम लोग अभी सेकेंड ईयर में ही थे. मैंने FSC जो मैंने की, मैं इंस्टीट्यूट का नाम ले लेती हूँ, मैंने PGC से मैंने FSC की. तो होता ही है कि जो PGC से पढ़ते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हम लोग आगे जो है वो MCAT भी स्टेप से ही तैयारी कर लेते हैं. बट पता नहीं क्यों, हम लोग तीन दोस्तें थी और हम लोगों ने तीनों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जो है वो स्टेप्स नहीं ज्वाइन करेंगे. आई डोंट नो वाई, बट हमारा ही उस वक्त हमारा यही डिसीजन था. हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्टेप्स नहीं ज्वाइन करेंगे, हम लोग जो है वो किप्स ज्वाइन करेंगे. तो पूरी क्लास ने, 60 की ऑलमोस्ट हमारी क्लास थी, और पूरी क्लास ने जो है वो स्टेप्स ज्वाइन किया. बीच में से अ फ्यू स्टूडेंट्स थे जिनमें हम तीन भी थे, हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोगों ने स्टेप्स नहीं ज्वाइन करना. अब हुआ कुछ इस तरह था कि हम लोग अभी हमारे पेपर्स नहीं हुए थे सेकेंड ईयर के, और हमने MBBS में एडमिशन ले लिया. सारे जिन्होंने स्टेप्स में लेना था उन्होंने स्टेप्स में ले लिया, और हम लोगों ने तीनों फ्रेंड्स ने जैसे ही किप्स के अंदर एडमिशन ओपन हुए, हम लोगों ने ज्वाइन किया था पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन किया था. हम लोगों ने किप्स में एडमिशन ले लिया. अब हम जाते थे, हमारी क्लासेस होती थी संडे को, हमारी पूरा दिन क्लासेस होती थी, यानी डेढ़ डेढ़ घंटे के हमारे जो है वो चार लेक्चर्स होते थे. और फ्राइडे को फिर हमारा टेस्ट होता था, और सैटरडे को उसकी डिस्कशन होती थी. फ्राइडे और सैटरडे हमारी होती थी आई थिंक डेढ़ से फोर ओ क्लॉक हमारी क्लास होती थी, जिसमें हमारा फ्राइडे को टेस्ट और सैटरडे को उसकी डिस्कशन, और फिर संडे को हम फिर से नया टॉपिक और नया चैप्टर पढ़ते थे. अब ज्वाइन तो हमने कर लिया, लेकिन अभी FSC के एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो ज़्यादा फोकस उसकी तरफ था कि नहीं जो है वो FSC में, जाहिर सी बात है आपके FSC के नंबर भी 40% एग्रीगेट तो आपका FSC से बनता है ना. तो हमारा फोकस था कि FSC को अच्छे से कर लें, FSC को अच्छे से कर लें. तो उस तरह से MCAT पे हम लोगों ने फोकस उस ड्यूरेशन में नहीं किया जिस ड्यूरेशन में हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले थे. फिर था कुछ इस तरह से कि PGC का जो टेस्ट सेशन होता है, जो लोग PGC से पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि चार फेजेस होते हैं, 25% सिलेबस का वो टेस्ट सेशन ले लेते हैं, और उसके बाद सेंडअप्स लेके और बच्चों को फ्री कर देते हैं. तो हमारा भी इस तरह था, लेकिन मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती थी. मैं पूरा किसी एकेडमी को ज्वाइन करके और पूरा टेस्ट सेशन दे के, और मेरी उस तरह से तैयारी होती थी. तो साथ में मैंने ना एकेडमी भी ज्वाइन की हुई थी. अब एकेडमी मैंने सिर्फ टेस्ट लेने के लिए ज्वाइन की हुई थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक अच्छा था कि मैं विदिन 1 to 1.5 आवर अकेडमी से फारिग हो जाती थी. अब मैंने अकेडमी भी जाना होता था, मैंने किप्स भी जाना होता था, कॉलेज भी जाना होता था. तो ये तीन चीज़ें, इतना टफ टाइम था ना मैनेज करना एक साथ. इवन ज़्यादा मुश्किल होता था फ्राइडे और सैटरडे को, यानी कि जैसे ही कॉलेज से आओ फौरन जो है वो एंट्री टेस्ट की क्लास लेने चले जाओ, वहाँ से आते ही अकेडमी पहुँचने की जल्दी होती थी. 4:30 बजे मेरा अकेडमी में टेस्ट होता था, वो जाकर देना होता था. तो बहुत हैक्टिक रूटीन रही. लेकिन फिर जब हमारे वो एग्ज़ाम्स हो गए FSC के, तो फिर हमारी जो है वो डेली बेसिस पे क्लासेस हो गई. हमारा शाम को 5 से 10 बजे तक हमारी, रात को 10 बजे तक हमारी क्लास होती थी. तो वो 10 बजे वहाँ से आकर फिर सो जाना, और फिर सुबह उठ के पढ़ना, तैयार करना, टेस्ट याद करना, और फिर शाम को जो है वो 4 बजे हम लोग चले जाते थे. तब
तब भी ना बहुत ज़्यादा जो लोग किप से जिन्होंने किया है एंटी टेस्ट तैयार किया है तो उन्हें पता होगा कितना रश होता है। अभी क्लास फ्री नहीं हुई होती और बच्चे बाहर खड़े होते हैं कि हम क्लास जैसे ही फ्री हो हम लोग जाएँ, नेक्स्ट क्लास आ जाती है ना, तो ये भी जल्दी होती थी कि नहीं, हमारी क्लास में 200 स्टूडेंट्स थे तो ये भी जल्दी होती थी कि भाई आगे बैठना है ताकि कुछ समझ भी आए, क्वेश्चनिंग करना आसान हो, तो ये भी हमें जल्दी होती थी। उस वजह से भी हम लोग जो है वो बहुत भाग दौड़ वाला सेशन होता था और बहुत टफ टाइम था। अभी भी याद करके ना कभी कभी मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग याद करते हैं कि हाँ वो भी एक टाइम था, बहुत टफ टाइम था। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि किप्स तो ज्वाइन कर लिया और नो डाउट उन्होंने तैयारी भी अच्छी करवाई। एमकैट ना डिले से डिले होता गया, पहले वो तब ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि इधर पीएमसी आएगी या यूएचएस लेगा, पीएमबीसी आएगी, ये सारा बहुत मसला चल रहा था। तो उसकी वजह से हमारा एंटी टेस्ट जो है वो अगस्त में होना था, अगस्त में नहीं हुआ, फिर वो सितंबर में चला गया, अक्टूबर में, और 13th of November को जाकर हमारा टेस्ट हुआ। मतलब इतना डिले हो गया था। जब FSC का रिज़ल्ट आया ना तो मेरे ना वो MCAT वाला टाइम मुझे इतना टफ लगता था ना, मेरे से ना पता नहीं, मैं अब भी उस टाइम को सोचती हूँ ना तो मैं कहती हूँ थैंक गॉड कि वो टाइम गुजर गया है। बहुत मुश्किल टाइम था, इतना स्ट्रेस लिया ना कि बस मैं उस टाइम को दोबारा याद भी नहीं करना चाहती। तो ना अब वो पढ़ना और फिर साथ में ना जब MCAT में आप बहुत परेशान होते हैं, ऐसे लग रहा था जैसे 12 साल आपने, मतलब 10 साल मैट्रिक किया और फिर 2 साल आपने इंटर किया, जैसे ये एक टेस्ट डिसाइड करेगा आपकी 12 साल की मेहनत का जो अजर है ना, वो ये एक टेस्ट देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने जो है वो तैयारी करना शुरू कर दी। अब टेस्ट जो है वो डिले होता जा रहा था, पूरा दिन पढ़ना, फिर एकेडमी जाना, थक हार के वहाँ से आना। तैयारी भी मैंने की, मैंने किप्स के ही जो है वो उनकी प्रेप बुक्स ली, उन्हीं के मैंने जो है वो प्रैक्टिस बुक्स भी वही ली और सारा मैंने किया। बट ना मैं बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से तंग आ गई थी। और फिर जब FSC का रिज़ल्ट आया, मेरे FSC के अंदर मेरे मार्क्स आए 1080, तो जो कि अच्छे थे नो डाउट, बट फिर भी वो वाली सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। तो FSC के अंदर अच्छे मार्क्स आ गए, मैं रिज़ल्ट आने के बाद मैंने अपनी अकेडमी गई, मैंने अपनी टीचर से पूछा, मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि ना MBBS के अलावा कोई अच्छी सी फील्ड्स बताएं कि मैं उनमें भी एडमिशन, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना भेज दूँ ताकि मैं एक सेफ साइड पर रह जाऊँ, क्योंकि अब लाखों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं और चंद हज़ार सीट्स होती हैं, तो अब सब बच्चों का तो एडमिशन नहीं होता ना। तो मेरा ये था कि मैं साल ज़ाया करने के बजाय ना मैं सेफ साइड पर रहूँ, और मैं अगर ना भी मेरा हुआ तो मैं जो है वो किसी और फील्ड में अप्लाई कर दूँ। और फिर कुछ MCAT इतना डिले होता जा रहा था ना, आप जब FSC कर रहे थे फिर आपको जल्दी होती कि हाँ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होगी और सारा, आपको उस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो वो मेरा भी वही सीन था, कुछ एंटी टेस्ट की टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कौन कंडक्ट करवाएगा, और टेस्ट के टाइम पता नहीं अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रहेगा या नहीं। तो टीचर्स ने मुझे यही बोला कि नहीं नहीं आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं करना, जो कि अपनी तरफ से वो भी ठीक थे, इस तरह बंदे का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको एटलीस्ट स्टूडेंट को जो सारी फील्ड्स के बारे में गाइड ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट उसको पता तो होना, खुदा ना वास्ता अगर नहीं भी होता, बहुत से बच्चों का नहीं होता, तो उन्हें पता तो हो, उसके बाद उन्होंने अदर ऑप्शंस उनके पास क्या है। ये तो नहीं आप बच्चे को बस एक ही गोल दिखाओ और अगर वो ना अचीव हो सके, बहुत से बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं। मेरी अपनी फार्मेसी की क्लास के अंदर मोर देन 35 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो दो दो तीन तीन साल रिपीट कर चुके थे और फिर भी नहीं हुआ, बिकॉज इट्स टोटली लक होता है, आपका लक चल जाए तो भी ठीक है, ना चले तो वो बच्चे बहुत डिसअपॉइंट रहे हैं। मैं कहती हूँ उनका बड़ी मुश्किल से उनका दिल लगा है फार्मेसी के अंदर, तो अब तो खैर दिल लग गया सबका। लेकिन मैं ना बाकी फील्ड्स के बारे में भी ज़रूर गाइड करना चाहिए, तो मेरे टीचर्स ने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने ना खुद ही यूट्यूब पे और इंटरनेट पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया कि कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं और कौन सी फील्ड्स ज्वाइन करनी चाहिए। तो सब सर्च करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आए BS नर्सिंग, जो कि मेरा एट दी एंड था, ठीक है, उसके बाद DPT भी था और फार्म डी भी था।
तो उन सब में से मुझे जो फील्ड पसंद आई वो फार्मडी। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ़ यूट्यूब चैनल्स देखे और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स के व्यूज़ लिए, मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स के मैंने रिव्यूज़ लिए और वो सारा कुछ मैंने जो है वो सर्च किया काफ़ी। तो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। मैंने डिफेंस भी शेयर किया था MBBS और फार्मडी का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखें। तो मुझे ये फील्ड जो है वो पर्सनल ओपिनियन दूँ, पता नहीं अब कुछ लोगों को मेरी ये ओपिनियन अच्छी लगेगी और कुछ को नहीं, बट मुझे पर्सनली फार्मडी जो है वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसलिए नहीं कि ये मेरी फील्ड है, बिल्कुल मेरी फील्ड है, लेकिन फिर भी मुझे फार्मडी ज़्यादा पसंद है। एक तो इसका ड्यूरेशन की वजह से, और दूसरा ये कि ना मैं जो ना वो थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप हूँ, तो वो ना इमरजेंसी कंडीशंस मुझे लगता है कि थोड़ा सा, वैसे आप जब किसी चीज़ में जाते हैं आपको ख़ुद को आप उस चीज़ के मुताबिक ढाल लेते हैं, आपको आदत हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है इमरजेंसी कंडीशंस हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो मैंने, मुझे फील बहुत अच्छी लगी, तो मैंने जो है ना वो एडमिशन्स उस वक्त आए हुए थे लाहौर की, दो यूनिवर्सिटीज़ में ओपन थे और एक यूनिवर्सिटी में मुल्तान में ओपन थे। अब कमेंट सेक्शन में मेरे से बार बार ये क्वेश्चन भी हो रहा है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, तो मैं अपना एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, 2 लाहौर में थी, 1 मुल्तान में थी। तो उस वक्त मतलब जो भी एग्रीगेट बना, क्योंकि पिछले साल रिपीटर्स थे और रिपीटर्स की वजह से जो है वो मेरिट काफ़ी हाई था, तो मेरा लाहौर में नहीं हो सका, मुल्तान में मेरा हो गया एडमिशन, तो मैं मुल्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। बट MCAT का ना मेरा इस तरह से हुआ कि MCAT डिले होता जा रहा था, मैं दिल छोड़ गई थी बस। मैंने घर वालों को बोला, मैंने कहा नहीं बस मैंने ना करना ही नहीं है। मैंने MCAT की रजिस्ट्रेशन भेज दी थी, डेट शीट भी रोल नंबर स्लिप आ गई, डेट भी आ गई कि इस डेट पे MCAT है। मैंने कहा नहीं, मैंने ना नहीं देना। तो मुझे मेरी मामा ने, पापा ने बोला कि नहीं आप दे दो, चलो और कुछ नहीं एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, आप ना MCAT दो ज़रूर। फिर भी मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा, मतलब उतना सीरियस नहीं लिया। मेरा ना टोटली माइंड डाइवर्ट हो गया था MBBS से ना, मैं कहती थी नहीं अब मैंने करनी है तो मैंने फार्मडी ही करनी है। तो इस तरह मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, मैंने जो है वो तैयारी की। उसके बाद इस तरह हुआ कि किप्स का हमारा सेशन जल्दी एंड हो गया, 1.5 महीने का टाइम था। मैंने स्टार्स ज्वाइन किया और मैंने 1.5 महीने का सेशन मैंने स्टार्स से भी लिया, दो जगह से काफ़ी पैसा ज़ाया किया घर वालों का। बट फिर भी आपको एक्सपीरियंस तो हो जाता है, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो मुझे, जो शायद मैंने FSC में नहीं सीखी थी और मैंने एंट्री टेस्ट में सीखी, जो मुझे फार्मेसी में काम आ रही हैं। तो है तो सारी वही ना, मैं है तो ये सारी मेडिकल साइंस है ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो नॉलेज, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस वो काम आ जाता है। तो मैंने जो है वो स्टार्स ज्वाइन किया, फिर मैंने 1.5 महीने का सेशन वहाँ से लिया। फिर भी मेरे स्कोर अच्छे थे MCAT में, लेकिन उतने अच्छे नहीं थे कि एग्रीगेट बन सके। बट हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मैं इस फील्ड में अब 100% अपने इंटरेस्ट से आई हूँ, अपने शौक से आई हूँ, और हाँ मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा नहीं हुआ या मेरा होना चाहिए था। ठीक है, कहते हैं ना अल्लाह ताला के फ़ैसलों में राज़ी रहना चाहिए, तो मैं भी उसी तरह की हूँ कि मैं अल्लाह ताला के फ़ैसलों में, अगर मेरा वहाँ हो जाता तो भी अच्छी बात थी, अल्लाह ताला को वो मंजूर होना था, लेकिन मेरा यहाँ हुआ, मेरे शौक से हुआ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि MCAT के एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूँ कि आप मेहनत करें, लेकिन तवक्कल अपना अल्लाह ताला पर ही रखें कि अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी आप उसमें राज़ी। बिकॉज़ अब सब बच्चों का तो नहीं होता ना, अब कौन सा इतनी ज़्यादा सीट्स होती हैं, अब लाखों सीट्स तो नहीं होती, तो इसलिए अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। अगर खुदा ना खास्ता आपका नहीं होता तो आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना, बिकॉज़ इस चीज़ पर आकर ज़िंदगी एंड नहीं हो रही। मेरा पता ही, मेरा ये ओपिनियन है, जिन्होंने कामयाब होना होता है ना, वो अगर उर्दू की फील्ड में चले जाए ना, वो वहाँ पे भी अपना लोहा मनवा के रहते हैं, यानी वो वहाँ पर भी कामयाब हो जाते हैं, इंग्लिश में कामयाब हो जाते हैं, फिज़िक्स में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में इंटेलिजेंट है, आप कर सकते हैं, तो आप, अब ज़रूरी नहीं है, अब हर बंदा एक चीज़ के लिए तो नहीं बना ना, अल्लाह ताला ने आपको शायद किसी और चीज़ के लिए बनाया हो, कोई और काम आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें। तो इसलिए आपने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी, अपना 100% दें। और ज़रूरी तो नहीं है कि आपने वही फील्ड करनी है, आपका बस MBBS पे ही दुनिया ख़त्म हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हों, इंशाल्लाह
अगर आप लोग अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी होंगे तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल उस चीज़ से भी नवाजेगा जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस. आई होप यू एंजॉयड इट, यू लाइक माई वीडियो. सो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.